नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया पर कल्याणी महाजन के साथ अभी के ताजा तरीन हालात। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में। मस्तूरी में थाने से कुछ दूरी पर हुई दुकान में चोरी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में सीएम भूपेश बघेल ने किया मड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ किया, लगभग 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण। कोरिया में 7 दिनों से लापता युवक का शव कुएं में मिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मस्तूरी थाना से महज 200 मीटर की दूरी और बिलासपुर मस्तूरी मुख्य मार्ग में स्थित शिव ट्रेडर्स में 2 दिन पहले रुपए के साथ सामान अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। दुकान संचालक ने बताया कि रोज की तरह वे दुकान बंद कर रात्रि 9 बजे अपने घर चले गए थे। जब सुबह ही मस्तूरी थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहीं चोरी की घटना को लेकर व्यापारी संघ में नाराजगी का माहौल व्याप्त है। कुछ लोग चोरी की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखने पर सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे हैं। ऐसे में मस्तूरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। चोरी की घटना को देखते हुए व्यापारी संघ ने बैठक कर पुलिस अधीक्षक और IG के पास जाकर शिकायत करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। क्या पहले दिन अब गए तो क्या बोल रहे थे? रिपोर्ट लिख के दे दो, मैंने इंफॉर्मेशन दे दो, ऐसा बोले। तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, FIR करवा रहे थे, नहीं कर रहे थे? नहीं, अरे बाकी वही एक दिन नहीं किए, रिपोर्ट लिख के दिए, अपने एप्लीकेशन पहले दिए हैं, दूसरे दिन वो FIR करके दे दिए। क्या उसके बाद दुकान में देखने का लायक नहीं है? उसके बाद तो काम ही नहीं है उनका, क्या बोलोगे उनको? अब उनको तो फुर्सत ही नहीं है, इतने जिसके पहले कई चोरियां हो चुकी है उनको जानकारी की नहीं है अभी तक। रिपोर्ट लिखवाने के बाद यहाँ से देखने नहीं आए हैं? हाँ, नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के आयोजित लोक मड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के स्टॉल के अलावा विभिन्न विभागों के स्टॉल का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डोंगरगांव में लगभग 6 करोड़ रुपए के लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मंच से किसानों और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाओं के तहत चेक वितरण कर मड़ई मेला मैदान पर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 7 दिनों से लापता युवक का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात लोगों ने युवक की हत्या कर शव को बोरे में बांधकर कुएं में फेंका था। घटना पटना थाना क्षेत्र के ग्राम करगी की बताई जा रही है। शव को निकालने पहुंची पुलिस को गांव वालों ने घेर लिया और 7 दिनों तक पुलिस को नहीं ढूंढने का आरोप लगाया। गांव वालों का कहना है कि युवक को प्रमुखता से ढूंढते तो युवक की लाश कुएं में नहीं मिलती। ग्रामीणों ने हंगामा कर शव को कुएं से बाहर नहीं निकालने दिया। अधिकारियों के आश्वासन और सख्ती के बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस आगे की कार्यवाही कर पाई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अंबिकापुर के कन्या परिसर और कन्या क्रीड़ा परिसर के छात्राओं द्वारा अपने शिक्षकों के खिलाफ प्रताड़ना और अश्लीलता की शिकायत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में छात्राएं 2 गुटों में बट गई है। एक गुट तो अपनी शिकायत पर अड़ा हुआ है, तो वहीं कल तक पीड़ित छात्राओं के साथ रहने वाली कन्या परिसर की छात्राएं अपने शिक्षकों के बचाव में आ गई है। इसको लेकर आज एक गुट ने कलेक्टर और SP से अपनी शिकायत की, तो दूसरे गुट की छात्राओं ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सर, हमें हमारे साथ दुर्व्यवहार होता था, गलत होता था, तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हम हमारे विपक्ष में है, वो हमसे हम जो चाहते हैं वो करना नहीं करवाना नहीं चाहते हैं, वो दबा रहे हैं हम लोग की बात को। हम लोग मतलब दब जाए, ये कार्रवाई ना करें, ये चाहते हैं। हम तो स्कूल नहीं गए थे क्योंकि AC सर हम लोग को मना कर दिए थे कि स्कूल नहीं जाने के लिए, तो हम लोग यही थे। कोई अधिकारी आ रहे हैं? नहीं, हम लोग से पूछताछ करने कोई अधिकारी आए थे ना, तो हम लोग नहीं गए थे। AC सर ने मना किया? यस सर, AC सर ने मना किया था, तो हम लोग नहीं गए थे। प्रिंसिपल के खिलाफ क्यों मांग चाहती हैं, हटाना क्यों चाहती हैं? प्रिंसिपल इस बात को दबा रही हैं, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल हम लोग के जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो बात को दबा रही हैं, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ भी वो करना चाहते हैं। नाम चंदा सिंह मैम।
देखिए दो प्रकार की बातें हैं। कुछ छात्राएं अभी गत दिनों में हमारे पास में आई थी जिसमें कुछ टीचर को लेके शिकायत की गई थी कि कुछ अभद्रता उनके साथ में की गई है, जिसमें कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस विवेचना जो है वो जारी कर दी गई है। और आज कुछ छात्राएं हमसे मिलने आई थी कि जो FIR हुई है उसको निरस्त किया जाए, तो उन्हें समझाइश दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंप्लेंट की जाती है तो उसमें विवेचना की जाएगी और यदि दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, और यदि उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया है तो उन्हें जो है रिलीफ कोर्ट से मिल जाएगा। बिलासपुर जिले के रतनपुर बागदेवा मार्ग पर कोयले की तस्करी करते हुए पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 24 टन कोयला जब्त किया है। वहीं जोगेंद्र कश्यप के कोल डिपो में खड़े दो वाहनों से 25-25 टन तथा प्लांट बिलावर इस हालत में रखे 20 टन कोयले को भी जब्त कर लिया है। सभी 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोल माफियाओं द्वारा बिलासपुर रतनपुर मार्ग में स्थित कोल डिपो पर लंबे वक्त से तस्करी की जा रही है। माफिया खदान से निकले अच्छे कोयले को खाली प्लांट या कोल डिपो में निकाल कर चोरी करते हैं और खराब गुणवत्ता वाले कोयले को मिक्स कर कंपनी को भेज देते हैं। चोरी किए गए कोयले को ऊंचे दामों पर बेच कर लाखों कमा लेते हैं। लगातार मिली शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछा कर इन कोयला माफियाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में।